नमस्कार, मेरा नाम है मान। एनबीसीएन न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। सीधी बात मान के साथ, और आज इस शो में है माननीय दयाशंकर तिवारी जी, शहर के मेयर। बहुत सारे सवाल हम सबके बीच में है, लेकिन जवाब ढूंढना है तो यहीं आना पड़ेगा। पहले तो आपका एनबीसीएन में स्वागत है, और सीधी बात मान के साथ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, ये पूछना चाहूंगा कि हम सबके मन में बहुत सारे सवाल है वैक्सीन को लेकर, थर्ड वेव को लेकर, और जिस तरह लोगों ने कहा है कि थर्ड वेव बच्चों पर ज्यादा असर करेगा, तो कितने प्रतिशत हम तैयार हो चुके हैं थर्ड वेव के लिए? नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से थर्ड वेव की तैयारी करने की दिशा में महानगर पालिका ने सूचना मिलते ही अपने कदम अग्रसित कर दिए। महानगर पालिका के माध्यम से IGR जो हमारा हॉस्पिटल है गांधीनगर में, इंदिरा गांधी रुग्णालय, वहाँ 25 बेड बच्चों के दृष्टि से होगी। 25 बेड की व्यवस्था हम लोगों ने KT नगर हॉस्पिटल में की है, और 50 बेड की व्यवस्था पातकौली मेटर्निटी होम में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से की गई है। एक बैठक और माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इनके नेतृत्व में नागपुर में संपन्न हुई महानगर पालिका की। उस बैठक में देवेंद्र जी की एक सूचना ऐसी आई कि आप 25-25, 50-50 बेड के अलग अलग हॉस्पिटल अगर खोलेंगे तो उसमें प्रत्येक जगह स्पेशलिस्ट के रूप में मैन पावर जो लगेगा उसकी संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए क्यों ना हम एक साथ 200 बेड का हॉस्पिटल खोलते हैं जहाँ कम मैन पावर में हम लोग ज़्यादा लोगों को सुविधा दे सकें। वो सूचना बहुत अच्छी सूचना थी, उसको महानगर पालिका ने स्वीकृत किया। और नागपुर यूनिवर्सिटी का जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनी है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के 2 फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, यह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से थर्ड वेव की दृष्टि से बच्चों के लिए हम लोग वार्ड बना रहे हैं, जिसमें डेडिकेटेड एक ही हॉल में करीब 50 बच्चों के वेंटिलेटर की व्यवस्था भी हम लोग रख रहे हैं। बच्चों का है किस उम्र के बच्चे वहाँ रहेंगे, किस उम्र को कोरोना प्रभावित करेगा, अभी सभी संदेह के दायरे में है, लेकिन बच्चों पर होगा ये सबने बार 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 कहा है। इसलिए बच्चों के प्रिय जो पात्र है, मिक्की डोनाल्ड से लेकर के जितने भी कार्टून पार्ट हैं, ये सारे वहाँ की दीवारों पर उकेरे जाए, इस प्रकार हमने कोशिश कर रहे हैं। वहाँ एक बड़ा स्क्रीन लगा करके जितने भी कार्टून फिल्म से लेकर के सारी चीज़ें बच्चों को पसंद आती है वो वहाँ बच्चों को दिखाई जाए, ये व्यवस्था कर रहे हैं। बच्चों के लिए जो बेबी फूड्स होते हैं वो सारी व्यवस्था वहाँ उपलब्ध हो सके, इस प्रकार का नियोजन वहाँ कर रहे हैं। और बच्चा अगर छोटा है तो बगैर माँ बाप के नहीं रह सकता, तो हम वार्ड को इस प्रकार से डिज़ाइन कर रहे हैं कि माता पिता के आसपास ही बच्चा रहे, माता पिताओं के लिए भी वहाँ पर जगह रख करके उनके भी रुकने की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, इस प्रकार से सर्विस व्यवस्था कर रहे हैं। विशेष यह है कि 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को लगने वाला जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब देने की जिम्मेदारी माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने निभाई है। NCI के माध्यम से नागपुर शहर में वे ये सारी सुविधा उपलब्ध करा करके देंगे, और नागपुर महानगर पालिका के साथ में मिलकर के वे इस 200 बेड के संचालन में पूर्ण रूप से मदद करेंगे। सवाल ये भी है कि जिस तरह अभी सेकेंड वीक खत्म हुआ है, और शुक्र है कि नागपुर शहर में अभी फिलहाल मृत्यु का आंकड़ा पूरी तरह खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस तरह नागपुर शहर खुलने के बाद भीड़ बढ़ रही है, दुकानें खुलने के बाद भीड़ बढ़ रही है, जिस तरह इवेंट्स होने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये थर्ड वेव का संकेत नहीं है, क्योंकि जिस तरह भीड़ बढ़ रही है इससे वायरस फैलने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, प्रशासन सूचना निर्गमित कर सकता है, लेकिन सूचनाओं का पालन करना नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है। हम कभी भी देखें तो हम हमारे अधिकारों की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लेकिन जहाँ कर्तव्य की बात आती है हम लोग पीछे रह जाते हैं। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि अधिकारों के लिए है युद्ध तमाशा, लेकिन कर्तव्य के नहीं किसी को है पहचान। ये चित्र स्पष्ट रूप से समाज के बीच में बार बार दिखाई देता है। मैंने तो व्यक्तिगत तौर पर माननीय आयुक्त महोदय से कहा है कि इस रविवार को आयुक्त महोदय स्वयं पुलिस कमिश्नर के साथ में बर्डी मेन रोड पर जाए, वहाँ का जायजा ले, और उन्हें लगता है तो बर्डी मेन रोड पर लगने वाले इतवार के बाजार को पूर्ण रूप से बंद कर दें, और बर्डी के हॉकर्स को भी दूसरी जगह शिफ्ट करने का वो निर्णय लें। इसलिए ले कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली अगर कोई भी गतिविधि शहर में चल रही है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की है, और आयुक्त ने इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, इस प्रकार से उनसे मैंने चर्चा भी की है। कारण भीड़ निर्देशित करना, भीड़ को कंट्रोल में लाना, भीड़ को डिसिप्लिन में लाना, इस दृष्टि से महानगर पालिका जो जो कदम उठा सकते हैं वो कदम उठाने के लिए हमने कहा है। एक खतरे की घंटी बज रही है, वो घंटी ऐसी है कि जो एक नया डेल्टा वायरस आया है, वो डेल्टा म्यूटेंट जो है, डेल्टा म्यूटेंट के पूरे भारत में 22 केसेस मिले हैं।
और हमारा दुर्भाग्य है कि 16 महाराष्ट्र में, और ये जलगांव में और रत्नागिरी में है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस रोज जलगांव से आती है और मुंबई से आने वाली हर गाड़ी जलगांव से होकर आती है, इसलिए जलगांव और नागपुर को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। इसमें से एक पेशेंट भी अगर हुआ है हमारे पास उस किस्म के वायरस को लेकर के आ गया, तो यहाँ आकर के क्या त्राही त्राही होगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए नियमों का पालन करें, मास्क लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ से बच करके रहें, और शासन के जो भी निर्देश है कोरोना के प्रोटोकॉल को लेकर के उसके अनुरूप अपना जीवन जीने का हम लोग प्रयास करें तो बहुत अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है। ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शंस की कमी, सेकेंड फेज ने बहुत बुरी तरह हाहाकार मचा दिया था। हम सब त्रस्त हो गए थे, सिर्फ इस विचार में थे कि कहीं से इंजेक्शन जम जाए या कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो किसी की जान बचा पाए। क्या थर्ड वेव के लिए भी ऐसा ही घूमना पड़ेगा या इसके लिए कुछ? बहुत सहजता से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन की कमी केवल नागपुर में नहीं, पूरे देश में ही कमी। उसका कारण यह है कि किसी ने सोचा नहीं था कि जो सेकेंड म्यूटेंट सेकेंड लहर आ रही है, दूसरी लहर आ रही है, उसका प्रभाव इतनी तीव्रता से कम दिनों में इतनी गतिशीलता से हो जाएगा। एकाएक जब पेशेंट की संख्या 1,000 से 8 दिन के अंदर 7,500 तक पहुंच गई, तो एक संकट खड़ा हुआ दिखा। कारण अगर रोज 10 दिन तक 7,500 पेशेंट निकलेंगे, उसमें एक आधे दिन 7,999 पेशेंट भी निकल जाएंगे, तो ऐसी अवस्था में वो पेशेंट के अनुरूप व्यवस्था करना असंभव जैसी बात थी। लेकिन नागपुर शहर ने मिलकर के इस सारे काम को किया। ऑक्सीजन के लिए तो मैं विशेष रूप से अभिनंदन और आभार मानना चाहूँगा माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी जी का। मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि गडकरी जी ने विशाखापट्टनम से जो प्यारे खान को बोल करके टैंकर बुलवाया, अगर वो 2 घंटा लेट हो जाता तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन समाप्त होने के कारण कितने लोगों की मौत होती है हम बता नहीं सकते, शायद पूरे विश्व में नागपुर का नाम कलंकित हो जाता था। लेकिन गडकरी जी की महत्वपूर्ण भूमिका ने एक साथ दिया। प्यारे खान जी को उन्होंने नागपुर में ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 टैंकर लेने के लिए विशाखापट्टनम भेजा था, लेकिन वो 3 टैंकर के साथ साथ उन्होंने निवेदन किया कि विशाखापट्टनम से आप ऑक्सीजन भी लेते आओ, टैंकर खाली लेकर के मत आओ। और उनके मन में आया हुआ यह विचार नागपुर को एक जीवन देकर के गया, संजीवनी देकर के गया, अन्यथा शायद हम वो दिखाने लायक भी नहीं रहते। ये स्थिति यथार्थ में नागपुर की थी, लेकिन ये केवल नागपुर की नहीं थी, संपूर्ण देश में इसी प्रकार की स्थिति थी। केंद्र सरकार ने भी इसमें महत्तम भूमिका निभाई, सड़क के माध्यम से, पटरी के माध्यम से और हवाई जहाज के माध्यम से, तीनों यातायात के माध्यम से केंद्र सरकार ने हर जगह ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की और ऑक्सीजन कहीं भी कम न पड़े इस प्रकार का नियोजन करने के लिए सबको निर्देश दिए। और ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी की मृत्यु हुई है ये चित्र नागपुर में तो देखने के लिए नहीं मिले। नागपुर सरप्लस ऑक्सीजन में रहा और नागपुर ने पूरे विदर्भ को ऑक्सीजन पहुंचाई और स्थिति नागपुर की वही है। रही बात इंजेक्शन की, तो मैं बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इंजेक्शन को लेकर के जनता में चर्चा ज्यादा होती थी। वो इसलिए होती थी कि अगर मान को इंजेक्शन की आवश्यकता है तो मान दयाशंकर को फोन करता था और मान दयाशंकर का दोस्त है इसलिए दयाशंकर अपने 10 दोस्तों को करता था और दयाशंकर के जो 10 दोस्त है वो अपने 10 दोस्तों को फोन करते थे और एक चैन बनते चले जाते थे। जब हकीकत यह है कि शासन ने निर्णय लिया है कि बाजार में इंजेक्शन नहीं मिलेगा तो डॉक्टर ने इंजेक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी। अगर मान को इंजेक्शन डॉक्टर नहीं लिखता तो दयाशंकर को फोन नहीं जाता और दयाशंकर को फोन नहीं जाता तो नीचे 10 और उसके नीचे 10 इस प्रकार मल्टीपल होकर के ये जो 100 का आंकड़ा हो जाता था, यह आंकड़ा नहीं होता। हर आदमी रेमडिसिविर है क्या इसी के लिए फोन करता था और पता चलता था कि आने वाले 100 फोन एक ही पेशेंट के लिए आ रहे हैं। इससे समाज में एक पैनिक पैदा हुआ। ये पैनिक पैदा नहीं होना चाहिए था, कारण जब शासन ने निर्देश दिया कि रेमडिसिविर इंजेक्शन की पूर्ति कलेक्टर के माध्यम से पेशेंट के लिए डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही होगी और डॉक्टर को पता है कि बाजार में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं तो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं। मैंने स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी महोदय से कहा था कि जब बाजार में इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, आप परिपत्र निकाल चुके हैं, बेचने पर प्रतिबंध है, आज तक प्रतिबंध है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कैसे कर रहा है कि इसको बाजार से खरीदें? समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करने का काम अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उस पर क्रिमिनल ऑफेंस दाखिल होना चाहिए। इस प्रकार का पत्र मैंने कलेक्टर को दिया।
कारण समाज के वातावरण को दूषित करने का अधिकार किसी को नहीं है। यही स्थिति वेंटिलेटर की बेड के लिए थी। दयाशंकर अगर बीमार हुआ है तो मैं मान को फोन करता है कि मुझे वेंटिलेटर की बेड चाहिए। अब दयाशंकर को वेंटिलेटर की बेड चाहिए कि नहीं चाहिए, डॉक्टर ने नहीं बोला, दयाशंकर ने तय कर लिया मुझे वेंटिलेटर की बेड चाहिए, और मैं मेरे तय किए हुए आधार पर वेंटिलेटर के बेड ढूंढ रहा हूँ। मुझे आवश्यकता है या नहीं मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर ने भी नहीं कहा, लेकिन मैं वेंटिलेटर के बेड ढूंढ रहा हूँ और मुझे चाहिए, इसलिए मान ने 10 लोगों को फोन किया। मान के बाद फिर मान के मित्रों ने 10 लोगों को फोन किया। मल्टीपल में एक बेड के लिए 100-125 लोग फोन करते थे, और शहर में पेशेंट 7,500 बढ़े हुए थे। पेशेंट की बढ़ी हुई संख्या के कारण लोगों में जो घबराहट थी, वे चाहते थे कि अगर मैं बीमार पड़ा तो मेरे को वेंटिलेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए उस स्थिति में पहुंचने के पहले ही वेंटिलेटर की बेड इंगेज करने की जो होड़ लगी, उसका भी बहुत बड़ा दुष्परिणाम नागपुर शहर में हुआ। लेकिन मैं बहुत संजीदगी से कहना चाहूंगा कि इस पेंडेमिक में जैसे जैसे धीरे धीरे कमी आई, महाराष्ट्र सरकार ने आंकड़े जारी किए। जब आंकड़े जारी किए तो मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस होती है, गर्व करने की तो कोई बात नहीं है, कारण हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियों पर गर्व नहीं किया जा सकता, केवल खुशी व्यक्त की जा सकती है कि जब पूरे महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट बन करके सामने आई कि 10 लाख की आबादी के अनुरूप सबसे ज्यादा बेड किसके पास थे, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बेड किसके पास थे, सबसे ज्यादा आईसीयू बेड किसके पास थे, और सबसे ज्यादा वेंटिलेटर बेड किसके पास थे, तो पूरे महाराष्ट्र में एक नंबर पर नागपुर का नाम था, दूसरे नंबर पर पुणे था, और तीसरे नंबर पर मुंबई था। इसलिए गर्व करने का विषय नहीं, लेकिन खुशी है, खुशी है कि हमने तो व्यवस्था के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। वो ताकत झोंकते हुए हमने 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पर कभी विचार नहीं किया था। हमारे तो मन में यह था कोई व्यक्ति भी बगैर बेड के उसकी मृत्यु नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि से हमने ध्यान देना चाहिए। वो ध्यान देने के प्रयास में बहुत अच्छी व्यवस्था हम कर सके। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल चलाना नहीं है, उसका काम है प्राइमरी हेल्थ, शासन के जितने भी इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम आते हैं उसको अंगीकृत करना। पूरे देश में केवल 2 महानगरपालिका है जिनके बड़े हॉस्पिटल है, एक है मुंबई, दूसरी है पुणे। पूरे देश में, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में बाकी किसी भी महानगर पालिका का बड़ा दवाखाना नहीं है। लेकिन जब संकट सामने आया तो आप कल्पना कीजिए कि 600 बेड जीएमसी के पास है, 600 बेड आईजीएमसी के पास है, और महानगर पालिका ने 1006 बेड की व्यवस्था करी। हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन आवश्यकता के अनुरूप हमारे शहर की जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का नियोजन हमने किया। और कल्पना कीजिए कि आईजीआर 110 बेड के साथ हमने शुरू किया, केटीनगर 110 बेड के साथ शुरू किया, हमने पांचपौली मैटरनिटी होम 110 बेड के साथ शुरू किया, हमने श्री आयुर्वेद 136 बेड के साथ शुरू किया, हमने भावमूलक आयुर्वेद कॉलेज को 100 बेड के हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित किया, हमारा सदर में आयुष केंद्र 48 बेड के साथ शुरू हुआ, हमारा आइसोलेशन का जो हॉस्पिटल है वो 16 से शुरू होकर के 32 बेड पर पहुंचा, हमारा पांचपौली पुलिस स्टेशन के पास का जो पुलिस हेडक्वार्टर के रिक्रिएशन हॉल का हमारा हॉस्पिटल है वो 78 बेड पर पहुंचा। इस दृष्टि से हमने कमी नहीं होने दी, हम लगातार इस जद्दोजहद में लगे रहे, और इसके साथ साथ हमने सिम्स में भी, सिम्बोसिस में भी महानगर पालिका के माध्यम से हम 150 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर सके, इस प्रकार की पूरी यंत्रणा खड़ी कर ली। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आइसोलेशन में सबसे पहले ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया, महानगर पालिका ने पाकोली मैटरनिटी होम में 6 KL का ऑक्सीजन प्लांट लगाया। इतना ही नहीं, आज हमारे आईजीआर में 135 सिलेंडर प्रतिदिन हो सके, इस प्रकार का हवा से ऑक्सीजन बनाने वाला प्लांट लग रहा है। केटीनगर में भी हमारा उसी प्रकार से हवा से ऑक्सीजन बनने वाला प्लांट लग रहा है। महानगर पालिका के जितने स्थापित दवाखाने हैं सभी में हवा से ऑक्सीजन पैदा करने वाला प्लांट लगा करके ऑक्सीजन में भी अपने आप को परिपूर्ण करने का काम नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से हमने किया। रही बात इंजेक्शन की उपलब्धता की, तो ये हमारा अधिकार में नहीं था, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट माननीय जिलाधिकारी के अंतर्गत आता है। हम कोशिश बार बार करते थे कि इसकी सुविधा बढ़नी चाहिए, व्यवस्था बढ़नी चाहिए। शायद मैं तो कहता हूं कि ईश्वर अगत कर देता है, सूचना दे देता है कि संकट आने वाला है। किसी महानगर पालिका के महापौर ने किसी को सूचित किया होगा मुझे मालूम नहीं। आपके महापौर ने 30 मार्च को भारत के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को पत्र लिख करके रेमडेसिविर पर कंट्रोल करने के लिए और उसके रेट को कम करने के लिए पत्र लिखा था।
अब 30 मार्च को रेमडेसिविर की पूरे हिंदुस्तान में कहीं कमी नहीं थी, सारी कमी 12 अप्रैल के बाद आई, लेकिन आपके महापौर ने 30 मार्च को पत्र लिखा है। यह अलग बात है कि 1 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के महापौर खुद पॉजिटिव होकर के क्वारंटीन होकर के पड़े थे, लेकिन हमने अगत होकर के पूर्व सूचना के आधार पर जो समाज से बेउज निकल रही थी कि ये सारी चीजें तकलीफ दे सकती है, तो उसके आधार पर पूर्व सूचना के रूप में हमने पत्र लिखा है जो मीडिया के माध्यम से हमने लोगों को भी बताया। तो इसलिए महानगर पालिका जागरूकता के साथ में पूरे प्रशासन ने मिलकर के काम किया है, आयुक्त ने, हमारे डॉक्टर्स की टीम ने, हमारे क्लास 4 एम्प्लॉय ने। जब लाशों की संख्या बढ़ गई और परिवार के लोग अपने परिवार की लाश को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं थे, तो उस मरे हुए व्यक्ति के भाई के रूप में, बेटे के रूप में महानगर पालिका के हमारे कर्मचारियों ने जाकर के वहां अर्थियां जलाई है। ये चित्र पूरे शहर में देखा। नहीं, इस बात का गर्व है कि जिस तरह माननीय नितिन जी गडकरी और जिस तरह पूरे नागपुर शहर में, जिस तरह NMC ने पूरा काम किया है, बहुत काबिले तारीफ है और बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल करके उनको एक सही रास्ता और सही दिशा दिखाई है। बहुत अच्छा लगा और आप भी स्वस्थ होकर आज हमारे साथ बैठे, इस बात की भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। कल नागपुर शहर में 42,000 वैक्सीन के ऊपर लगी है, एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। 106 सेंटर है नागपुर शहर में वैक्सीनेशन के। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या नागपुर शहर की पॉपुलेशन को देखकर हमें और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, वैक्सीनेशन का जो दौर है, इसमें बहुत ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में सबसे पहले 1 लाख इंजेक्शन लगाने वाला शहर कौन सा था? अगर हम हमारी सीमित व्यवस्था में 1 लाख लोगों को इंजेक्शन लगा सकते हैं, उस समय हमारे सेंटर इतने ज्यादा भी नहीं थे, हमारे सेंटर इससे भी कम थे। उसमें हमने सुविधा उपलब्ध की और हमने व्यवस्था उपलब्ध करा करके देखा। सेंटर बढ़ाने की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम सेंटर बढ़ाएंगे, हमको किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। लेकिन सेंटर बढ़ाने के बाद उस सेंटर पर आने वाली संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। जनता की मांग थी वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे शुरू रहना चाहिए, हमने वो भी किया, लेकिन 10 बजे के बाद आने वाले पेशेंट ही नहीं रहते। और वाइल एक बार खुल गया तो 10 इंजेक्शन जो उसके अंदर है, अगर वो 4 घंटे के अंदर नहीं लगे तो वाइल के इंजेक्शन खराब हो गया। तो नियोजन की दृष्टि से हमें हमारे व्यवस्था को पहले रात 12 बजे तक, फिर रात 10 बजे तक, इस तरीके से हमको कम करते जाना पड़ा। इसलिए हम सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां जो फ्लो है उस फ्लो को कंट्रोल करने की व्यवस्था अच्छी रही तो कम संसाधन में भी हम लोग ज्यादा व्यवस्था कर सकते हैं। नागपुर शहर अभी तक कोरोना की दृष्टि से कल के दिन 23,703 इंजेक्शन, 3 पेशेंट को इंजेक्शन लगाने का काम, वैक्सीन लगाने का काम कल केवल शहर में हुआ। और जो 40,000 प्लस है, एक ग्रामीण और शहर का आंकड़ा और प्राइवेट का आंकड़ा मिलाकर के होता नहीं था। खुशी की बात है, हमने 40,000 लोगों को हमारे जिले में एक दिन में वैक्सीन लगाई। और उसका कारण यह है कि 106 केंद्र में हर सेंटर पर हम लोग 150 लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था की है। 150 लोगों में हम लोग 75 लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से ले रहे हैं और 75 लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन से भी ले रहे हैं। अर्थात कोई व्यक्ति सीधा वहां पहुंच जाए, जिसको मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आता है, उसको भी हम लोग रजिस्ट्रेशन करके उसके वैक्सीनेशन की व्यवस्था कर रहे हैं। बीच में संभ्रम था कि 45 साल वाले कहां जाएंगे, तो अभी 18 से ऊपर सारे लोगों के वैक्सीनेशन की व्यवस्था एक ही सेंटर पर करने का काम हमने किया है। तो ये सारी सुविधा है, जब स्लॉट मिलता है, ये जो 150 पेशेंट है इनको जब स्लॉट मिलेगा तो 5 स्लॉट दिन भर में जब डिवाइड हो गए तो एक स्लॉट में केवल 30 पेशेंट आएंगे। और हमारे सारे सेंटर इतने बड़े हैं कि एट ए टाइम 30 पेशेंट को बैठा करके वैक्सीन दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा भीड़ पड़ती है तो महानगर पालिका के माध्यम से हम लोग और एडिशनल सेंटर बनाने के लिए कहीं भी नहीं हिचकेंगे। 106 सेंटर के अलावा आपकी जानकारी के लिए मैं कल 2 सेंटर का उद्घाटन करने जा रहा हूँ, परसों मुझे 3 सेंटर के और उद्घाटन करने जा रहे हैं। शासन की सुविधा के दृष्टि से जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो नागरिकों को ज़्यादा ना रहे, इस नियोजन को लेकर के अभी हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि लोगों को घर के पास वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो सके। इसलिए हो सकता है कि 10-25 सेंटर और बढ़ेंगे। हमने इसकी जो मीटिंग ली थी, वैक्सीनेशन 21 को शुरू हुआ, उसके पहले 18 तारीख को हमने मीटिंग ली थी, उसमें नगर सेवकों के माध्यम से 7-8 और सेंटर की जानकारी आई थी, वहाँ भी हमने वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। इसलिए संख्या निश्चित रूप से आज
111 112 सेंटर तक पहुंच गई होगी और ये 125 को बहुत एक दो दिन में क्रॉस कर लेगी, ऐसा हमें विश्वास है। क्या बात है। और हमने कहीं प्रतिबंध नहीं लगाया कि हम सेंटर नहीं देंगे करके। हाँ, हम सेंटर इसलिए दे पा रहे हैं कि हमें वैक्सीन मिल रही है, और वैक्सीन इसलिए मिल रही है कि केंद्र सरकार दे रहा है, और बीच में जो बंद हुई थी वो इसलिए बंद हुई थी कि राज्य सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि अब हम देंगे, और जब हम देंगे उन्होंने कहा और नहीं दे सके तो उनको बीच में बंद कर देनी पड़ी, कारण वैक्सीन के बगैर तो हम नहीं चला सकते। हमने तो पत्र भी लिखा मुख्यमंत्री जी को कि अरे भाई हम वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार है, आप अनुमति दीजिए। मुंबई को मिल गई, नागपुर को अनुमति नहीं मिली। क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्या राज्य सरकार नहीं कर पा रही वो जो उनको करना चाहिए था? ये सीधा सवाल है। विषय आज तक जब भी देश में पेंडेमिक आया है, सारी व्यवस्था का संचालन केंद्र सरकार ने ही किया है। अभी भी केंद्र सरकार ही संपूर्ण राष्ट्र को वैक्सीन देने का प्रोजेक्ट चला रही थी। राजनीति गंदी चीज है। मैं इसलिए ये शब्द का वापर कर रहा हूं कि जिस दिन भारत में वैक्सीन लगनी शुरू हुई, इस देश के हर वो राजनेता जिसने आज वैक्सीन लगाई है, उसने प्रश्न लगाया कि हिंदुस्तान की वैक्सीन काम की है या नहीं है। कोवैक्सीन टेस्टिंग के बगैर क्यों लगाई जा रही है? पहली वैक्सीन तो प्रधानमंत्री ने लगाना चाहिए, इस प्रकार का वर्षन देश के बड़े राजनेताओं ने दिया, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री ने खुद कोवैक्सीन लगाई उस दिन इस पर चर्चा बंद हो गई। तो प्रधानमंत्री चर्चा बंद करते जा रहे हैं, और एक चर्चा तीन मुख्यमंत्री में विशेष रूप से नाम लेना चाहूंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और केरल के मुख्यमंत्री। इन्होंने एक रट लगाई कि 18 साल वालों के वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है, उस अवेलेबिलिटी के हिसाब से हमने एज ग्रुप तय किया है, इसको हम एक साथ 18 से शुरू न करते हुए धीरे धीरे नीचे बेचे जाएंगे करके। अब राजनीतिक वर्षन था, इन्होंने कहा कि अगर आप नहीं दे सकते तो हम हमारे भरोसे देंगे, आप हमको अनुमति दीजिए। अब कोई बेटा अपने बाप से बोले कि मैं बड़ा हो गया हूं, बाप ने उसको पैरों पर खड़े होने का अवसर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने दे दिया कि ठीक है भाई, आप सक्षम हो तो आप ले लो। दिल्ली सरकार ने एफिडेविट दे दिया, हमारे पास वैक्सीन खरीदने को पैसे नहीं है, आप ही दीजिए। महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि 7,000 करोड़ रुपए का एडवांस हम कंपनी को दे रहे हैं, वैक्सीन हम हमारे तरफ से देंगे। जिस 18 तारीख को मैं 21 साल के लिए 18 साल के लिए मीटिंग ले रहा था ना, उसी 18 तारीख को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि केंद्र सरकार अगर वैक्सीन देगी तो ही हम दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते। अब आप कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति अगर केंद्रीकृत व्यवस्था कर रहा है और आप बार बार भाषण दे रहे हो कि महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं मिली, महाराष्ट्र को वैक्सीन नहीं मिली, और आप अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक रहे हो कि सबसे ज्यादा वैक्सीन महाराष्ट्र में लगी। अरे जब वैक्सीन ही केंद्र सरकार ने दी और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लगी, इसका मतलब महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मिली। इसलिए राजनीति करने के विषय नहीं है। मैं 6 जनवरी को, 5 जनवरी को मेरा महापौर के पद पर चयन हुआ, 7 जनवरी को मैंने पद ग्रहण किया। 7 जनवरी से लेकर के आज तक मैंने किसी भी चीज के लिए किसी भी राजनीतिक नेता पर आरोप नहीं लगाया। राजनीति अलग चीज है, लेकिन पेंडेमिक के समय में अगर लोगों की जान जा रही है और उस पर हम राजनीति करेंगे तो ये देश की जनता हमें बख्शने वाली नहीं है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं इस मत का हूं। और महानगर पालिका में इसी कारण हम सारे राजनीतिक पार्टी के नगर सेवकों ने एक साथ बैठ करके एक मत से आयुक्त के साथ मिलकर के पूरी संजीदगी से काम किया। आपको कहीं भी आपस में विवाद, झगड़ा और एक दूसरे से कानाफूसी की बात भी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। पूरा पेंडेमिक हमने अच्छे से संयुक्त रूप से प्रयास करके निकाला। एक चीज, जैसा आपने कहा था कि बेटे ने पिता से मांगा, पिता माननीय नरेंद्र मोदी जी, बेटे केजरीवाल जी और माननीय, मैं नरेंद्र मोदी को पिता नहीं कहना चाहता, मैं उद्धव जी और केजरीवाल जी को बेटा नहीं कहना चाहता। पिता का मतलब होता है गार्जियन सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका प्रधानमंत्री कौन है, मेरे लिए इमटेरियल। और बेटे यानी उस पर आश्रित राज्य है, वो राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, मेरे लिए इनमटेरियल। कल इनकी जगह कोई दूसरा भी रहा तो भूमिका तो वही रहने वही रहना। इसलिए मैं नाम मत डालने के, पिता नरेंद्र मोदी और बेटे
नहीं, मैं बस अरे क्लियर भाई, करना आप चाहता ऐसी बात में कल इनके डीएनए चेक करने लग जाओगे। तो इसलिए उपमा यही है कि हमारा गार्जियन केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के मातहत हम सब लोग काम करते हैं। पूरे पेंडेमिक में सारी गाइडलाइंस केंद्र सरकार ने दी है, केंद्र सरकार के आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुरूप राज्य सरकार का संचालन है। और जब केंद्र ने छूट दी, उसके बाद लॉकडाउन से लेकर के सारी चीजों पे निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार का है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो मेजर गवर्निंग बॉडी है वो हमारा गार्जियन है और वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। उसमें नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं या कौन पद पर बैठा है, और महाराष्ट्र की सरकार में और दिल्ली की सरकार में कौन पद पर बैठा है, ये इमटेरियल। आज एक बैठा है, कल दूसरा बैठेगा। सर, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है लोगों के मन में, कि बहुत सारे सवाल ये है कि क्या ये वैक्सीन थर्ड वेव के लिए सही है या नहीं, क्या थर्ड वेव पे इसकी जो मजबूती है, जो इसका असर है, वो रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, किंतु परंतु इफ बट लेकिन, ये ऐसे शब्द है कि जिसका कोई उत्तर नहीं है। जिसके पास कोई काम नहीं होता ना, वो इसी पर चर्चा करता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता, वो इसी पर चर्चा करता है। आपने किसी डॉक्टर के मुंह से सुना क्या वैक्सीन काम के लिए? अब वो चाय की टपरी पर खड़े होकर के पान ठेले से पुकट के तमाकू लेकर के घोटने वाले के मुंह से सुनोगे? डॉक्टर के मुंह से नहीं सुनोगे? और फैकल्टी कौन है भाई? पान अच्छा कैसे बनता है, ठेले वाला बना सकता है। बना सकता है। चाय कैसे अच्छी बनती है, वो चाय ठेले वाला बता सकता है। तो वैक्सीन काम के है या नहीं, तो डॉक्टर ही बताएगा ना। किसी डॉक्टर ने, किसी अथॉरिटी ने ये वापरा है क्या शब्द कि ये अब तक काम तो के नहीं नहीं, रहेगी? फिर अब तक तो नहीं। मैं डॉक्टर समीर अरबट जी के साथ एक फेसबुक लाइव में था। उसमें एक सज्जन ने प्रश्न किया कि वैक्सीन कौन सी लेनी चाहिए, कोवैक्सीन लेना चाहिए या मैंने कोविशील्ड कोविशील्ड लेना चाहिए, इसमें से कौन सी फायदे की आप बताइए। उन्होंने कहा कि जो सबसे पहले मिल जाए वो फायदे की है। भाई, जिस समय वैक्सीन उपलब्ध नहीं है तो वहां फायदे की कौन सी, जो मिल जाए वो फायदे की है। वैक्सीन दोनों काम की है, दोनों की काम शरीर के अंदर जाने के बाद काम करने की प्रक्रिया अलग अलग है, लेकिन काम तो दोनों कर रहे हैं ना। तो आप किसी भी फैकल्टी से मिलोगे तो फैकल्टी आपको अपनी फैकल्टी के अनुरूप आपको संतुष्ट करने वाला उत्तर देगा। किसी एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा है कि ये वैक्सीन इस वेव में काम करेगी, इस वेव में काम नहीं करेगी। फर्स्ट वेव के बाद जो वैक्सीन लगी, सेकेंड वेव में काम करे ना। मैंने वैक्सीन लगाया 13 मार्च को, 1 अप्रैल को मैं पॉजिटिव हुआ वैक्सीन लगाने के बाद। लेकिन मैं 1 तारीख से 14 तारीख तक जब घर में रहा तो पूरी एनर्जी के साथ घर में रहा, और 14 तारीख को महानगर पालिका के कार्यक्रम में परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के कार्यक्रम में मैं हाजिर हुआ। पूरी ऊर्जा के साथ हाजिर हुआ और पूरी ऊर्जा के साथ दूसरे दिन काम पे लग गया। अन्यथा कोरोना में सबको कमजोरी आई है ना, मैंने वैक्सीन लगाया था इसलिए मुझे नहीं आई। तो वैक्सीन लगाइए, अगर कमजोरी से बचना है और अपनी जान बचानी है तो वैक्सीन लगाना देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी वैक्सीन लगने के बाद आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, ये कोई डॉक्टर नहीं कहता। इन्फेक्शन का प्रतिसाद कम होगा, परिणाम कम कम। होगा, ये सारे डॉक्टर कहते हैं। आपको सामान्य रूप से सोचकर जानना है तो पहले चेचक की बीमारी होती थी, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते से हम उसको उसका इंजेक्शन इंजेक्शन लगाते देते हैं, थे, सामान्य भाषा में माता की बीमारी हम माता कहते की थे उसको। बीमारी होती वो बंद हो गई क्या? अभी भी मोतीजीनी निकलती है ना, हम मोतीजीनी उसको होती छोटी माता बोलते हैं। है। अब वो इंजेक्शन लगने के बाद भी बीमारी हो रही है, लेकिन प्रभाव नहीं होता उसका उतना। तो किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो इंजेक्शन है वो इन्फेक्शन से 100% छूट नहीं देगा। वो यही कहेगा कि अगर पहले तो होगा नहीं, अगर हो गया तो उसका प्रभाव कम होगा करके। और सारे डॉक्टर्स ने यही कहा, कोई दूसरी बात नहीं कही। जाते जाते आप नागपुर के दर्शकों से क्या कहना चाहोगे, जिसके वजह से वो थोड़ा ध्यान रखे, मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करे, भीड़ ज्यादा ना करे, क्या कहना चाहोगे अपने शब्दों में, अपने लफ्जों में? मैं तो केवल नागपुर शहरवासियों से एक ही चीज कहना चाहता हूं, मैं केवल एक नाम लेना चाहता हूं। हमको हल्दीराम की मिठाई अच्छी लगती है तो हल्दीराम की दुकान में जाते हैं, हमको बेकरी प्रोडक्ट जिसका अच्छा लगता है उस बेकरी की दुकान में जाते हैं। अभी नाम के साथ सामान खरीदना बंद कर दीजिए। आप दुकानदारों से एक मूवमेंट चला करके कहिए कि दुकान के बाहर स्टिकर लगाए, मेरे सारे कर्मचारी आरटीपीसीआर से चेक है,
मेरे सारे कर्मचारी वैक्सीनेटेड है करके, और जहां ये स्टिकर लगा मिले वही खरीदी करने जाए, दूसरी जगह ना जाए। और मेरे सारे व्यापारियों से निवेदन है कि अपने दुकान के कर्मचारियों का वैक्सीनेशन कराए और स्टिकर लगाए कि मेरी दुकान फुल्ली वैक्सीनेटेड है। सबका आरटीपीसीआर टेस्टिंग जरूरी है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग कराए। महानगर पालिका ने व्यवस्था की है कि एक बस्ती के अगर चार दुकानदार मिलकर के अपने कर्मचारियों की टेस्टिंग कराना चाहते तो हम आपकी दुकान में आकर के स्वैब लेकर के जाएंगे और शाम तक आपके हाथ रिपोर्ट दे देंगे, आपको हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए हमारे इस नियोजन का आप फायदा लीजिए। वैक्सीन के लिए भी हमने कहा है कि 45 साल से ऊपर के जो लोग एक साथ 25 लोग जमा हो जाते हैं हमें फोन कीजिए, हम वहां आकर के वैक्सीन दे देंगे। इसलिए हम आपके घर तक आकर के सुविधा देने के लिए तैयार हैं। और एक निवेदन करना चाहूंगा कि पूरा पेंडेमिक हमारा ऑनलाइन 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 में चला गया, लेकिन इस पेंडेमिक में जिन लोगों ने सेवा करी ना आपकी, वो भी सारे लोग थे जिन्होंने ऑफलाइन व्यवसाय किया है अपना। ऑफलाइन व्यवसाय करने वाले ने इस पेंडेमिक की अवस्था में भी अपने घर की पूंजी से जो उसने आपके माध्यम से कमाया आपकी सेवा करी। अब आपका मौका है, उसकी दुकान शुरू हो चुकी है और उसने अपनी जमा पूंजी आपकी सेवा में पूरी खर्च कर दी है, क्या आप अभी भी ऑनलाइन खरीदी करेंगे? इस शहर में चलने वाली दुकानों में जाकर के आप खरीदी कीजिए। मैं ऑनलाइन खरीदी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऑफलाइन वालों की दुकानों में जाकर के अगर आप खरीदी नहीं करेंगे तो आज संकट के समय में सारी लड़ाई में इन्होंने आपको मौका दिया। नागपुर शहर की 400 से ज्यादा सामाजिक संगठनाओं ने पहले पेंडेमिक में लोगों को भोजन कराया है, और एक दो लोगों को नहीं 71 लाख लोगों को भोजन कराया है। और ये वो लोग थे जो नागपुर में व्यवसाय करते हैं, इनके व्यवसाय को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी आपकी है, इसलिए आप वहां जरूर जाइए। और एक निर्णय लीजिए, दुकानदार निर्णय ले कि अगर ग्राहक को मास्क नहीं लगा है तो मैं सामान नहीं दूंगा, और ग्राहक निर्णय ले कि अगर दुकानदार ने मास्क नहीं लगाया है तो मैं सामान नहीं लूंगा। केवल इतनी चीजों का हमने पालन किया ना तो थर्ड वेव को हम बहुत अच्छे तरीके से पराजित कर सकते हैं। ये शहर आपका, ये शहर आपका, इसलिए अपना पनाह रखें, अपने शहर को जिंदा रखने में आप संजीदगी के साथ में कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, खुद को भी बचाना है और औरों को भी बचाना है। एनएमसी पूरी तरह तैयार है आपकी सेवा के लिए, बस आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। मेहमान यहां से तो अलविदा, मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए NBCN News, सच दिखाए बिना छुपाए।